हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है HDFC बैंक की तरफ से वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप बी और सी दोनों तरह का इसमें पोस्ट रहने वाला है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में। देखिए, यहाँ पर टोटल आपका 16,000 के तकरीबन पोस्ट रहेगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको अप्लाई लिंक या फिर नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पे जो भी जॉब आता है अपडेट लेकर मैं वीडियो आती हूँ, उससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन और लिंक वगैरह वहां पे प्रोवाइड कर देती हूँ। फिलहाल अब हम चर्चा करते हैं HDFC बैंक के नई वैकेंसी के ऊपर, जहां पर आपको टोटल पोस्ट है 15,789, यानी कि 16,000 के अप्रॉक्स सीट्स रहेगा। इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट है ना, 26 अक्टूबर से 28 नवंबर है, मतलब कि 26 ऑफ अक्टूबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका क्या रहेगा, 28 ऑफ नवंबर। लेकिन आपको लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो अप्लाई का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से जाओ, सर्च करके अपने अकॉर्डिंग पोस्ट चूज करके आप फॉर्म भर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर बात करें कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई करेंगे, पहले ही बताया कि मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर, बेसिक डिटेल्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आपको टोटल कितने टाइप के पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। टोटल आपका 14 टाइप का पोस्ट रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, एनालिटिक्स के लिए हो गया, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है, ब्रांच मैनेजर के लिए रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट का पोस्ट हो गया, क्लर्क का हो गया, कलेक्शन ऑफिसर की हो गई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का हो गया, उसके बाद है आपका फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए है, IT मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजर। टोटल 14 टाइप के आपके पोस्ट रहने वाले हैं। तो आगे आप देख लेते हैं, अब इतने तरह के पोस्ट है तो क्या इसका आगे डिटेल्स है, मैं आपको भी समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एज का लिमिट क्या रहेगा। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पोस्ट है और एज लिमिट आपका 18 to 45 years, मतलब 18 से 45 वर्ष रहेगा। फॉर्म की फी की बात करी जाए तो नील बटे सन्नाटा, यानी कि 0 rupees आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, WS, SC, ST, फीमेल, सबका फी माफ है यहाँ पर। बस ऑनलाइन कर दो और आपका फॉर्म आगे सबमिट हो जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 10th में क्या परसेंटेज है कुछ मैटर नहीं करता, 12th पास कर रखा है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स से कुछ भी आपका परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। जिस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन की डिमांड है उसके लिए भी आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जो पास आउट स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। एज यू ऑल नो कि आपकी गवर्नमेंट बैंक नहीं होती है HDFC, प्राइवेट बैंक होता है, लेकिन इसमें आपको परमानेंट ही ये जॉब रहता है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको, मतलब समझो पूरा जिंदगी भर के लिए आपका ये जॉब रहता है, परमानेंट रहता है, और आगे अच्छा करोगे तो आगे आपका यहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, पर ईयर होते रहता है। अब अगर चर्चा किया जाए कि सिलेक्शन इसमें आपका कैसे होगा, तो देखिए ओनली 2 stage सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आप पास कर जाओगे ना तो फिर आपको कुछ टाइम बाद DV यानी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाई जाएगी। उसके बाद आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ऑफर लेटर सेंड कर दिया जाएगा, तो फिर उस प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे, ज्वाइन करोगे और ऑन जॉब आपको वहां पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के पोस्ट है आपके, तो 22,000 से शुरुआत होती है। लोएस्ट पोस्ट के लिए आपको 22,000 मिलता है, जो हायर लेवल के पोस्ट होते हैं उनके लिए 1,05,000 तक आपकी सैलरी रहती है।
तो ये आपका सैलरी का भी क्लियर हो चुका है। जॉब की लोकेशन की बात करें ना, तो ये पैन इंडिया की वैकेंसी होती है, अक्रॉस इंडिया में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। हाँ, बट जब आप अप्लाई करते हो तो आप अपने रीजन का सेलेक्ट करके, अगर वहां से आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस सिटी के लिए, तो वो आप डालोगे तो वहीं पर आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू वगैरह अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आप जहां चाहो पैन इंडिया के थ्रू आप जॉब कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि बार बार आप सभी को अप्लाई की लिंक के बारे में मैंने बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल गई हो। अब भी कुछ डाउट है एंड कंसर्न है तो आप कमेंट करके क्वेरी को क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी जॉब के अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।